संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सजित कुमार चौहान जो पहुंचा हूं यहां एक कोलोरी माइंस, डकरा का कोलोरी माइंस है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि माइनिंग में जो बच्चे माइनिंग करना चाहते हैं उनका जॉब प्रोफाइल कैसा होता है और माइनिंग में किस प्रकार का काम करना होता है। तो एक ओपन माइंस है और आपके सामने यहाँ सर कार्यरत है, ठीक है। तो भाई आप मुझे पहले तो ये बताएं कि ये कौन सा माइनिंग है और यहाँ पर काम किस तरह का होता है। ये ओपन कास्ट है, एनके एरिया डकरा प्रोजेक्ट है, यहाँ ओपन कास्ट है। ये मशीन कौन सा है पहले तो ये बताएं मुझे कि ये सोवल मशीन है। अच्छा, ये ओबी भी उठाती है और कोल्ड भी उठाती है, कोयला अच्छा। भी उठाती है, दोनों काम ये करती है। इसका काम है ज़्यादा रफ्तार से कोयला को उठाना और ओबी को भी उठाना, ये दोनों काम करती है। चौके और मुझे ये बताएं कि जो बच्चे माइनिंग करते हैं, जैसे डिप्लोमा जो बच्चे माइनिंग करके आते हैं, उनका बेसिक यहाँ जॉब क्या होता है? यहाँ उन लोगों का जॉब ये है कि अपना मशीन जो खदान में है ना उसको सुरक्षित ढंग से, मशीन भी ठीक रहे, हमारे वर्कर को चोट भी ना लगे, उस टाइप से पूरा खदान को सुचारित रूप से चलाना है। DGMS आपको खुद सेफ्टी के लिए काफ़ी नॉलेज देती है आपको माइनिंग में, जब आप माइनिंग करते हो तो, और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ सुरक्षा को देखना होता है कि सुरक्षा के सारे मापदंड यहाँ पर माने जा रहे हैं कि नहीं, और साथ में आपको यहाँ सर्वेइंग का भी काम होता है। तो आपकी जो जॉब प्रोफाइल होगी उसके अकॉर्डिंग आपका काम होता है। तो सर यहाँ का जो माइनिंग चल रहा है तो लगभग यहाँ से लगभग कितना पर डे अगर कहा जाए तो कितना टन कोयला निकलता है लगभग? ये हम लोग को टारगेट दिया जाता है प्रोडक्शन महीना में। अभी जैसे हम लोग का इस साल का टारगेट है 7 लाख टन, उसको हम लोग को प्रोडक्शन महीना में 7 लाख टन तक मार्च तक हम लोग को दे देना है। तो ये काफ़ी खतरनाक है एरिया, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी धंसा वस्ता भी रहता है और काफ़ी जोखिम भरा होता है, तो आप लोगों को तो कंटिन्यू जोखिम उठाना पड़ता होगा। हाँ, तो अब काम है तो करना ही है, लेकिन अपना सुरक्षा को देखते हुए ही सभी काम करना है। और ये जो दिख रहा है दरार, ये ब्लास्टिंग के वजह से है। अच्छा, ब्लास्टिंग जो ड्रिल मशीन से होकर ब्लास्ट होती है। अच्छा, तब सोवल मशीन को वहाँ लगाया जाता है ताकि सोवल मशीन अच्छा से अपना जो वर्क है वो कर सके और मशीन को भी दिक्कत ना हो, मशीन भी ब्रेक डाउन ज़्यादा ना हो, इसलिए उसको ब्लास्ट करके ही ओबी को या कोयला को उठाया जाता है। तो माइनिंग के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई, क्योंकि आप जब माइनिंग कंप्लीट करते हो तो माइनिंग के बाद आपको, ये तो ओपन माइंस है साइट, ठीक है, तो यहाँ जो ओपन माइंस है तो यहाँ पर लगभग कितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं? यहाँ 400 से 500 लोग हैं, 400 से 500 मैन पावर यहाँ है। अच्छा, टोटल माइनिंग से लेकर स्टाफ से लेकर कितने हैं? माइनिंग के बच्चों का जो सिलेक्शन होता है तो भाई यहाँ पर सिलेक्शन जो हुआ है लगभग, तो यहाँ पर कितने आपके जो डिप्लोमा मैंने माइनिंग सरदार होंगे वो लगभग कितने हैं यहाँ पर? हर शिफ्ट में 3 शिफ्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों शिफ्ट में 3-3, 4-4 ओवरमैन है एक एक, और माइनिंग सरदार है एक एक, 2-2, 3-3, मतलब पर शिफ्ट में 5 कम से कम, 4-5 जो सब मशीन अपना अपना देखते हैं। किन्हीं को जैसे सावल 2 ठो है तो एक सावल उनका जिम्मा है, एक उनका है, डोजर को देखना अलग, माइनिंग को जिम्मा है, वो भी कहाँ गिराना है सुरक्षित ढंग से, अगर होल पे जाती है तो उसको सुरक्षित ढंग से कैसे गिराना है, पीछे कहीं ओबी के पीछे जैसे खदान में खाई रहता है वहाँ ज़्यादा पीछे आके डंपर एक्सीडेंट ना करे, वो सब देखते हुए सब सुरक्षित ढंग से सभी जगह रिपोर्ट किया रहता है माइनिंग सरदार को। तो चलिए, ये माइनिंग का एक थोड़ा सा जानकारी मैं चाह रहा था कि मेरे स्टूडेंट्स को हो जाए, क्योंकि मैं बेसिक रूप से ये चाहता हूँ कि बच्चे कोई भी ट्रेड को लेने से पहले उसके ग्राउंड रिपोर्ट तक देखें कि उसका काम क्या है और किस तरह का आपको जाकर काम करना पड़ेगा। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मेरे जितने भी बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल तक जाकर समझें कि जो कोर्स आप लोगे उस कोर्स का प्रैक्टिकल लेवल तक कहाँ है। तो मैं ग्राउंड रिपोर्ट, मैंने तो कॉलेज के बारे में बताया, भागा माइनिंग, निरसा माइनिंग, और माइनिंग के बाद मैं खुद पहुंचा हूं आज स्पेशल ये माइनिंग के कोलोरी में, ताकि आपको एक ग्रास लेवल पर मैं बता पाऊं कि आपको तैयारी करनी है तो किस प्रकार से करनी है और सारे सुरक्षा के मापदंडों को कैसे यूज करना है। तो चलिए भाई, आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।